इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में कांग्रेस की मैराथन में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्राएं दब गई, बच्चियों के जूते चप्पल भी सड़क पर बिखर गए। इधर जब कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया अरुण ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी में जब भगदड़ मच सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। देखिए बरेली की तस्वीरें हैं यूपी की, प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम के तहत ये मैराथन। हजारों की संख्या में लड़कियां सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गई और इस दौरान आपको बताएं मैराथन शुरू होते ही यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। आगे दौड़ रही कुछ बच्चियां धक्का लगने से गिर गई, इसके बाद पीछे से आ रही भीड़ उन पर गिर गई और कई बच्चियां नीचे दब गई। चीख पुकार के बीच किसी तरह से बच्चियों को बाहर निकाला गया और तस्वीरें आपके सामने हैं। हम लोग आ रहे थे, पीछे से धक्का लगा, पहले आगे के लिए गिरे थे गेट पे, फिर यहाँ पे गिर पड़े हैं। चोट लग गई है, कम से कम 150 लड़की गिरी है, 150 लड़की है। कितने दब गई होंगी? बहुत लोग दबी, बहुत के चोट भी लग गई है। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़े। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। भाई वो देखिए वही बात जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं, मैं तो ये भी कहूँगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो, ये प्लांटेड लोग थी और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देख कर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। तो आप हमें उनकी तरफ से भी आपसे माफी मांग। अगली खबर